सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। आज मैं डिस्कस करूंगा नागायण के डिफरेंट वर्जन्स। जी हां, यहां पर मेरे पास एक कलेक्टर एडिशन रखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है संपूर्ण नागायण, और ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से एक कलेक्टर एडिशन हमको मिला है। सेम उसी लोगों के साथ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के लोगों में ही ये पेपरबैक एडिशन है जो 9 कॉमिक्स का है। और आज के डेट में अगर हम कॉमिक्स वर्ल्ड की बात करें या राज कॉमिक्स यूनिवर्स की बात करें, तो वहाँ पर नागायण का कलेक्टर एडिशन काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, इसके बारे में आज मैं कंप्लीट डिस्कशन करूँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है, पर जितने हो सकता है मेरे को जो लगे हैं वो पॉइंट्स मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं नागायण सीरीज़ की। तो नागायण सीरीज़ में टोटल 9 कॉमिक्स हैं। उनके मैं आपको फ्रंट कवर दिखा देता हूँ अभी। वरण कांड फर्स्ट कॉमिक्स है, सेकंड है ग्रहण कांड, थर्ड है हरण कांड। ये सभी के सभी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट्स हैं जो कि 2021 में हमको देखने को मिले। फोर्थ है शरण कांड, फिफ्थ है दहन कांड। यहाँ पर मनोज जी का लोगो नहीं दिख रहा, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, हो सकता है, ग्रेट ग्रेट, चलो ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन काम आएगी। ये वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये ओरिजिनल राज कॉमिक्स वाला है, मतलब ये मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट ना हो करके खुद राज कॉमिक्स का रिप्रिंट है, इसकी बात करेंगे। सिक्स है रण कांड, मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट। सेवन्थ है समर कांड, मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट। और एट्थ है इति कांड, ये भी मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट। ओरिजिनली 2007 से लेकर के 2009 तक जो सीरीज आई थी उसमें टोटल 8 ही कॉमिक्स थे। लास्ट उसका कॉमिक्स था इतिकांड, और ये इतिकांड हार्ड बाउंड में आया था और राज कॉमिक्स का पहला ऐसा कॉमिक्स था जो जिसकी प्राइस थी 100 रुपीज़ और हार्ड बाउंड में था, तो ये कलेक्टर एडिशन माना जा सकता है उस समय का। उससे पहले कलेक्टर एडिशन की कोई परंपरा नहीं थी, हार्ड बाउंड में पहली बार मैंने ये कॉमिक्स देखा था। तो इस कॉमिक्स का इसको एक ऐसा श्रेय मिल जाता है इस कॉमिक्स को कि फर्स्ट टाइम ये हार्ड बाउंड में आया था, और नेक्स्ट जब इसके रिप्रिंट्स हुए तो हमको वो सॉफ्ट बाउंड में देखने को मिले। एक्चुअली इसका एक और रिप्रिंट मैंने देखा था 120 रुपये का, वो भी हार्ड बाउंड में था, काफ़ी क्लोजली मतलब बाद में ही रिप्रिंट हुआ होगा 100 वाले के बाद में। ये बाय द वे मनोज गुप्ता जी की तरफ से 2021 वाला रिप्रिंट है जो कि 180 रुपये की प्राइस के साथ में आया है, और शायद इसको प्रिंट करते वक्त माइंड में रखा गया होगा कि इसको भी पहले की तरह ही हार्ड बाउंड में निकालेंगे। शायद इसीलिए इसमें येलो पेजेस देखिए ऑलरेडी लगे हुए हैं, बट ये थोड़े इस तरीके से लगे हुए हैं कि आगे लगा दिए पीछे नहीं है। और इसी का मैंने लेटेस्ट एक और पेपरबैक एडिशन मंगवाया था अभी हेलो बुक माइंड से, आपने देखा होगा। तो वो जब आया था उसमें ये येलो पेजेस नहीं थे, मतलब कि इसके बाद जो रिप्रिंट करे गए उसमें येलो पेजेस नहीं थे। खैर उसकी बात बाद में करेंगे पूरा। तो ये पूरी पेपरबैक सीरीज है 8 पार्ट की। 9th जो इसका पार्ट है उपसंहार, ये सन 2014 में आया था। देखिए इसमें मेंशनड भी है सर्वनायक वर्ष 2014, और ये ओरिजिनली 50 रुपये का आया था जहाँ तक मुझे याद है, और ये जो है अभी 75 रुपये की प्राइस के साथ में रिप्रिंट है। तो ये टोटल 9 पार्ट्स बन जाते हैं। एक्चुअली उपसंहार इसका 9th पार्ट ना होकर के नागायण और महानागायण के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। जी हाँ, इसके बाद में एक और कॉमिक्स अनाउंस हुआ था, कॉमिक्स क्या महागाथा थी या महासीरीज थी, महानागायण। नागायण पूरी की पूरी रामायण पर बेस्ड है, उसकी बात करूँगा थोड़ी सी मैं, और महानागायण डेफिनेटली महाभारत पर बेस्ड होगी। नागायण जो सीरीज थी उसमें सिर्फ नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, ये दो पात्र को लिया गया था और उसके जो है जो उसके यूनिवर्स के कैरेक्टर थे, बट डेफिनेटली महानागायण में जो है, क्योंकि महाभारत अपने आप में एक एपिक है काफ़ी बड़ा, तो उसके लिए डोगा, भेड़िया, परमाणु, शक्ति, इंस्पेक्टर स्टील और अदर कैरेक्टर्स को भी डिफरेंटली प्लान किया गया होगा। तो काफ़ी बड़ी महागाथा होने वाली थी और इस पर काम भी स्टार्ट हो गया था 2018 से, शायद मैं देख पा रहा हूँ कुछ कुछ उसके पेंसिलिंग वगैरह अनुपम जी ने शेयर की थी, बट और ऐसा सुनने में आया है कि हो सकता है उसका 1-2 पार्ट बन भी गए हों। लेकिन 2020 के बाद में जब राज कॉमिक्स का विभाजन हुआ, 2021 में हमको राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी के दोनों बैनर हमको देखने को मिले, तो वो ऐसे कुछ प्लान्स अटक गए जिसमें सिर्फ महानागायण ही नहीं और भी काफ़ी कॉमिक्स हैं, जैसे कि सर्वनायक सीरीज है, क्षतिपूर्ति सीरीज है। खैर काफ़ी बातें हो जाएंगी इस बारे में, इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। टोटल आज की डेट अगर मैं बात करूँ तो 9 कॉमिक्स हैं। अदरवाइज़ उपसंहार जो है एक कनेक्टिंग लिंक है, एक बीच की कड़ी है जो नागायण और महानागायण को आपस में जोड़ता है। तो ये रिप्रिंट्स हमको मनोज गुप्ता जी की तरफ से देखने को मिले, और जब ये रिप्रिंट देखने को मुझे मिले थे मुझे ये ओवर प्राइस लगे थे। इसका कारण मैं आपको अभी समझाई देता हूँ कि उस समय
इसके कांड, इसके जो है ना इतने कांड को मैं एक बार छोड़ दूँ, 128 पेज है उसमें बाय द वे, बाकी के जितने भी कांड हैं सात, वरण कांड से लेकर के समर कांड तक, ये सभी के सभी में 80 पेज यानी कि 80 पेजेस थे। और जिस समय इन्होंने रिप्रिंट करी मनोज जी ने, इससे पहले के इसके इवन इसके बाद का जो पीरियड था उसमें जो है 80 पेज की जो कॉमिक्स थी, सम्राट सोडंगी वाला सेट आपको याद होगा, 130 रुपये की एक कॉमिक्स आई थी, ये कॉमिक्स जो है 140 रुपये की आई थी, यानी 10 रुपये महंगी, सेम टाइम रिलीज़ हुई थी। और इसके बाद की भी काफ़ी कॉमिक्स थी जो 130 में देखने को मिली 80 पेज की, और इसके साथ में कोई नॉवल्टी नहीं थी। अदरवाइज़ जिस समय ये रिप्रिंट करी गई थी उस समय राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से 64 पेज की कॉमिक्स होती थी तो 120 रुपये, और 80 पेजेस की कॉमिक्स होती थी तो 130 रुपये। उनके साथ में काफ़ी अच्छी नॉवल्टीज जैसे कि मैग्नेट स्टिकर विद ईच कॉमिक्स या फिर पोस्टर्स विद ईच कॉमिक्स मिल रहे थे। डेफिनेटली मुझे था कि मिलेंगे, बट इसके तो कोई नॉवल्टी नहीं मिली। तो उस लिहाज से ये उस समय का एक महंगा रिप्रिंट था राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, 10 रुपये महंगा पर कॉमिक्स प्लस नॉवल्टी रिमूव्ड, तो उस हिसाब से काफ़ी महंगा एक रिप्रिंट कहा जा सकता है इसको। खैर इस चीज़ को भी बाद में मैं आपको डिस्कस करूँगा। इसके बाद में एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे अगेन राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही हमको ये आपने देखा होगा लेटेस्ट अनबॉक्सिंग में किया था, संपूर्ण नागायण यानी कि इसका एक कंप्लीट कलेक्टर एडिशन देखने को मिला, जिसका प्राइस रखा गया 1500 रुपये, जो इसकी जो पेपरबैक सीरीज है उसके प्राइस के हिसाब से जेन्युइन था। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 140 रुपये पर पार्ट का प्राइस है, 7 पार्ट है 140 रुपये के हिसाब से। और उपसंहार जो है वो 70 रुपये रखा है उसका प्राइस, 70 है या 75 मैं देख लेता हूँ एक बार, 75 रुपये है उसका प्राइस है। और ये जो है 180 रुपये की है इतिकांड, 180 का, तो ये थोड़ा वेरिएशन मिलेगा 180 और यहाँ पे 75 की, तो शायद ये 250 के करीब हो गई दोनों मिला करके, ठीक है। और ये पूरे जो 7 कांड है 140 का एक पड़ता है, तो 140 के हिसाब से 7 को आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितना है, लगभग 900 के आसपास शायद हो पड़ेगा टोटल इसका प्राइस। तो उस हिसाब से कलेक्टेड एडिशन की 1500 रुपये प्राइस जस्टिफाइड मानी गई थी, मुझे नहीं पता कितना, आप कैलकुलेट कर लेना मुझे बता देना इसमें, तो वो भी चर्चा का विषय नहीं है। और इसमें दो चीज़ें एक देखने को मिली, एक तो यहाँ पे देखिए ग्लास कट के साथ में है ना ये चिपका हुआ है संपूर्ण नागायण, दूसरी चीज़ क्या थी इसमें कि गोल्ड ग्लिडिंग था इसमें और हार्ड कवर था। और ये दोनों ही चीज़ें अगर मैं इस पेपरबैक सीरीज़ की बात करूँ, मैं बता चुका हूँ कि 2007 से लेकर 2009 तक आई थी ओरिजिनली, और उपसंहार को अगर ऐड कर लिया जाए तो वो 2014 में आई थी। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये भी 2015 के आसपास ही, जब वो उपसंहार आया था डेफिनेटली उसके बाद में, संपूर्ण नागायण नाम से ही पब्लिश हुआ था, विद गोल्ड ग्लिडिंग एंड विदाउट गोल्ड ग्लिडिंग अलग अलग प्राइसेस थे, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा 500 का था 700 का था याद नहीं आ रहा, पर हाँ ऐसा कुछ प्राइस था कि 1000 रुपये से कम इसका प्राइस था। उसका मुख्य आकर्षण था ललित कुमार शर्मा जी के द्वारा बनाया गया इसका ये कवर, देखिए नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, पीछे नागपाशा जो मेन विलेन है वो, और यहाँ पर संपूर्ण नागायण का इतना सुंदर जो है स्पाइन, काफ़ी अच्छा लगता है ये। और कलेक्टर एडिशन जो होते हैं ना शेल्फ वगैरह में रखे हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं, खैर इनकी बाइंडिंग वगैरह कैसी वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर रहता है, पर ये ऐसी चीज़ है। अब मैं कई बार अपने वीडियोज़ में ये डिस्कस कर चुका हूँ कि कलेक्टर एडिशन पाठकों को काफ़ी पसंद आए, और जो पाठक नागराज और सुपरकमांडो ध्रुव या फिर राज कॉमिक से जुड़े हुए थे वो आज 35-40 से लेके 50 वर्ष की उम्र में आ चुके हैं, मतलब 90s में काफ़ी चलती थी, 80s में काफ़ी चलती थी, तो 90s के किड्स हैं 80s के किड्स हैं वो आज राज कॉमिक से फैन है, और दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि आज वो एडल्ट्स हैं अपना घर चलाते हैं तो डिसीजन मेकिंग भी उनकी होती है। तो बचपन में एक हसरत उनकी रह गई थी कि उनको कॉमिक्स वगैरह पढ़ने को नहीं मिलती थी जैसे कि मैं हूँ, और छोटा मोटा कभी कहीं से देख लिए कुछ दुकानों पर अगर जो बाहर विजिबल होती थी कॉमिक्स वाला डिस्प्ले में, तो उनको देख देख के ही मतलब कई बार साइकिल से बिना मतलब भी चक्कर लगाते थे कि कुछ बहाने से वो देखने को मिल जाए कौन सी कॉमिक्स आई हुई, ऐसा होता था सबके साथ में, तो लोग अफोर्ड करते हैं बाय द वे। इसी वजह से ये 1500 रुपये की प्राइस के साथ में आया, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा इशू क्या आया कि इनके सारे फ्रंट कवर बैक कवर रिमूव कर दिए गए। अदरवाइज़ जो कलेक्टर एडिशन्स आते हैं आजकल, जैसे कि मैं इनकी बात कर लूँ, एक ही कलेक्टर एडिशन है, इसके बारे में पूरी चर्चा फिर करूँगा मैं, ये राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से कलेक्टर एडिशन है और इसमें सारे फ्रंट कवर्स इंक्लूडेड हैं। और आप ऐसा मत समझना कि सिर्फ राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स में ही फ्रंट कवर्स इंक्लूडेड होता है, ऐसा नहीं है, जितने भी कलेक्टर एडिशन हैं चाहे वो संजय गुप्ता जी लेकर के आए हैं, मनोज गुप्ता जी देखिए ये कलेक्टर एडिशन है कुछ वो मनोज गुप्ता जी लेकर के आए थे, सारे फ्रंट कवर इंक्लूडेड थे, कोई सा भी कलेक्टर एडिशन आप पकड़ लीजिए, सिर्फ ये एक अपवाद है संपूर्ण नागायण रेगुलर साइज़ में, और दूसरा अपवाद बनता है युग नायकम सुपर साइज में, उसकी भी बात करूँगा फिर बातें डाइवर्ट हो जाएंगी। तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, ये है संजय गुप्ता जी की तरफ से रिलीज नागराज की प्रथम 5 कॉमिक्स का
एक संग्राहक संस्करण कलेक्टर एडिशन युगारंभ। तो इसमें नागराज की शुरुआत की 5 कॉमिक्स हैं, सेम गोल्ड ग्लेडिंग है और यहाँ पे ऑटोग्राफ है बाय द वे। और लास्ट में जो है इसमें भी फ्रंट कवर रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन लास्ट में फ्रंट कवर सारे दिए गए हैं। और न सिर्फ फ्रंट कवर दिए गए हैं बल्कि उनके ओवर टाइम में जो अदर प्रिंटेड थिंग्स थी वो सब अगर वेरियंट कवर सब वो इंक्लूड किए गए हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की गई, काफ़ी सारी इंक्लूड की गई। तो खैर मैं बात से डाइवर्ट हो ही गया तो फिर हो ही जाता हूँ। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आपको ये प्रिंट देखने को मिले। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने जब पहली बार नागराज की प्रथम 5 कॉमिक्स को प्रिंट करने का डिसीजन लिया, निर्णय करा, तो उन्होंने एक प्रयोग करा, एक एक्सपेरिमेंट करा। वो क्या प्रयोग था? वो प्रयोग ये था कि सेम 5 कॉमिक्स का जो ये संग्राहक संस्करण है, चाहे इसमें आगे कुछ एक्स्ट्रा पेजेस हों, चाहे इसमें इंक्लूडेड कवर आर्ट हों, चाहे इसमें जो है नेक्स्ट इनकी जो कॉमिक्स आने वाली थी नाग प्रलय, उसके कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट हों, वो सारा दोनों में सेम था, ये बिल्कुल सेम कॉमिक्स हैं। सिर्फ फ्रंट कवर ये अनुपम श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया है, ये श्री ललित कुमार शर्मा जी द्वारा बनाया गया, ये एक इसमें डिफरेंस मिला। ये सेम डिफरेंस हमको यहाँ पर भी देखने को मिला था। संजय गुप्ता जी युगारंभ नागराज की प्रथम 5 कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन लेकर के आए थे, और मनोज गुप्ता जी जो है इसके बाद की जो 5 कॉमिक्स है 6 से लेकर के 10 तक की, उसका नाम उन्होंने रखा वृतांत 1, डेफिनेटली उसके बाद आया होगा वृतांत 2। तो उसमें देखिए अनुपम जी द्वारा बनाया गया मनमोहक कवर रखा, और इसके बैक साइड में, हालांकि ये एक उसका कवर है, इसके अंदर कॉमिक्स रखी भी, तो उसके बैक में ललित कुमार शर्मा जी का बनाया हुआ कवर रखा। तो ऐसा नहीं कि संजय जी ने ये प्रयोग करा, मैं जो 2021 में देख पा रहा हूँ जितने भी कलेक्टर एडिशंस हैं, वेरिएंट कवर्स वगैरह हैं, तो उसमें नागराज को ज़्यादातर ललित कुमार शर्मा जी ने और अनुपम सिन्हा जी ने बनाया। एज ए बींग सीनियर आर्टिस्ट मनोज कुमार जो मनोज गुप्ता जी हैं, उन्होंने फ्रंट कवर अनुपम सिन्हा जी वाला रखा और बैक कवर ललित कुमार शर्मा जी वाला रखा। काफ़ी अच्छा लगा नागराज दोनों में ही। संजय गुप्ता जी ने 2 वेरिएंट निकाल दी, मतलब सेम ही बुक है, बाय द वे इसका प्राइस रखा गया 1500 रुपये। जी हाँ, और 1500 रुपये में काफ़ी कॉस्टली लगा था, वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगा, आपको मेरे काफ़ी वीडियोज़ भी मिल जाएंगे इसमें, मैं फिर से उसको रिपीट नहीं करना चाहता। अनुपम सिन्हा जी का वेरिएंट कवर 1500 रुपये, ललित कुमार शर्मा जी का वेरिएंट कवर 1500 रुपये, तो ये दोनों पड़ते हैं 3000 रुपये में। बाय द वे इन पर डिस्काउंट मिल जाता है, पर उसकी फिर वो एक अलग चर्चा हो जाएगी, डिस्काउंट भी मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है। एक बार ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई थी, तो MRP पे भी मिलना मुश्किल हो गया था, इवन MRP से ज़्यादा प्राइस दे करके भी लोगों ने लिया, मैंने भी काफ़ी कोशिश लिया इसको, तो ऐसा कुछ हुआ है। और बाय द वे इनमें कुछ नॉवल्टीज़ कुछ क्या काफ़ी नॉवल्टीज़ मिल जाती हैं, प्लस ये 10 बॉक्सेज में आए थे, ये भी एक मैं बात ऐड कर दूंगा, खाली कॉमिक्स की बात नहीं थी, पर ये एक मैं बता रहा हूँ कि 2 वेरिएंट कवर हमको देखने को मिले। बैक में सेम कवर है ललित कुमार शर्मा जी वाला, यही डबल स्प्रेड में, तो इस तरीके का उन्होंने एक प्रयोग करा। अब मैं इसको साइड में रखता हूँ, इस बात का मुझे रेफरेंस लेना था, इसलिए मैंने ये बात जो है डिस्कस करी। युगारंभ में जो बाद के जो 3-4 पेज एक्स्ट्रा दिए गए थे, उस कहानी को आगे बढ़ाया गया नाग प्रलय में। जी हाँ, प्रलय का देवता, ये एक कॉमिक्स या सीरीज जो आप जो भी माने, वो अनाउंस करी संजय गुप्ता जी ने। उन्होंने बोला कि नागराज और तोसी को वो पहली बार लेकर के आएंगे, और उस कॉमिक्स को उन्होंने नाम रखा प्रलय का देवता, और उसी के शुरुआत के 4 पेज उन्होंने युगारंभ में दिए। ये देखिए 4 पेज हैं जो एक बोनस कंटेंट है एक तरीके से, या प्रलय का देवता का एक जो है ट्रेलर मान लीजिए एक तरीके का। प्रलय का देवता अनाउंस हुई, अभी भी वो रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन प्रलय का देवता का शुरुआत का पार्ट 32 पेज का एक अलग से छाप दिया गया, उसका नाम रखा गया नाग प्रलय। क्या उसका कारण रहा मुझे तो नहीं पता उस समय, पर जहाँ तक मेरा एक अनुमान है कि उस समय अनुपम सिन्हा जी भी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के बैनर के अंडर में नागराज और तोसी की कॉमिक्स प्लान कर चुके थे। उस सीरीज़ का नाम रखा गया था सर्प सत्र, और उसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था उसका नाम भी रखा गया सर्प सत्र। तो मे बी इस वजह से भी ये नाग प्रलय हमको देखने को मिली हो, कि भाई नागराज और तोसी का जो क्रॉस ओवर है वो संजय गुप्ता जी भी लेकर के आए और मनोज गुप्ता जी भी लेकर के आए। और संजय गुप्ता जी ने इसका नाम ऐसे भी रखा था कि भाई फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूनिवर्स ऑफ राज कॉमिक्स, तो ये फर्स्ट टाइम टकरा रहे हैं। लेकिन जो भी उन्होंने किया हो, सर्प सत्र थोड़े दिन पहले रिलीज हो गई थी, तो शायद अगर हम पूरे राज कॉमिक्स यूनिवर्स की बात करें, संजय गुप्ता जी प्लस मनोज गुप्ता जी, तो वो पहला कॉमिक्स बन जाता है सर्प सत्र। इनमें डिफरेंस क्या रहा? साइज़ में एक डिफरेंस रहा। ये राज कॉमिक्स का एक रेगुलर साइज़ है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा गया, थोड़ा बिग साइज़ में देखने को हमको मिला सर्प सत्र। ये देखिए सर्प सत्र बिग साइज़ में देखने को मिला, और ये बिल्कुल अमर चित्र कथा वाला साइज़ है, आई थिंक सभी इससे परिचित होंगे, पर आप मेरे शब्दों को एज इट इज़ मत लेना, थोड़ा सा डिफरेंस मिलता भी है थोड़ा लेंथ में अमर चित्र कथा में, तो एग्जैक्ट तो नहीं है, बट हाँ बिल्कुल रफली वही है, मतलब आपको वही साइज़ की याद दिलाएगा। और मैंने सर्प सत्र ही क्यों रखी, देखिए सर्प द्वंद भी मेरे पास कॉमिक्स है, इसका सेकंड पार्ट रिलीज हो चुका है बाय द वे, लेकिन अभी इतना फेमस है ना, मतलब ये साइज़ को हम बोलते हैं सर्प सत्र वाला साइज़ इन राज कॉमिक्स, इसीलिए मैंने कॉमिक्स अपने हाथ में रखी ताकि आपको प्रॉपर रेफरेंस मिल सके।
ये आपके सामने है और ये है नागप्रलय। नागप्रलय तो एक स्टेप आगे बढ़ चला गया, विड्थ में बिल्कुल सर्प सत्र के बराबर यानी कि अमर चित्रकथा के बराबर, और लेंथ में थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, और मतलब काफ़ी आगे 3 सेंटीमीटर के आसपास है, तो काफ़ी बिग साइज़ में है। मतलब नागप्रलय काफ़ी बिग साइज़ है। अब इस दोनों के बीच में एक और मैं ला रहा हूँ, आप ये मत देखना कि भाई कितना लंबा ये वीडियो क्यों हो रहा है, तो इसमें काफ़ी बातें आ रही हैं इस वजह से, इससे कन्फ्यूज़ मत होना। इसको हम सुपर साइज़ बोलते हैं, ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी रिप्रिंट लाए हैं, और ये कोई नया साइज़ नहीं है, राज कॉमिक्स में ये साइज़ पहले भी आ चुका है, 64 पेजेस का, 20 रुपये के हिसाब से आता था, अभी 250 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। सुपर साइज़ मतलब कॉमिक्स को डबल कर दिया। देखो रेगुलर कॉमिक्स को अगर डबल कर दें तो रेगुलर कॉमिक्स का जो लेंथ है वो इसका विड्थ बन जाएगा, और उसके विड्थ का डबल कर दो तो इसका लेंथ बन जाएगा। इसको हम सुपर साइज़ नाम दिया है मनोज गुप्ता जी ने। संजय गुप्ता जी अभी ऐसा कोई रिप्रिंट लेके नहीं आए हैं, मनोज गुप्ता जी ऐसे काफ़ी रिप्रिंट ला चुके हैं, ये प्रेतंकल सीरीज का कॉमिक्स है, 4 कॉमिक्स इसके आ चुके हैं, खलनायक महानायक आ चुके हैं युग नायक नाम से, उसका कलेक्टर एडिशन भी आ चुका है, और फाइटर रोड्स वगैरह, मतलब ये एक सुपर साइज़ है, तो इसको फिलहाल छोड़ते हैं, इसका फिलहाल कोई पॉइंट नहीं बनता। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि नागप्रलय काफ़ी बड़ी कॉमिक्स है, मतलब वो सुपर साइज़ को छोड़ दें तो हाँ इस लिहाज से काफ़ी बड़ी कॉमिक्स है। राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी ने इस साइज़ को फॉलो करा, और उन्होंने इसके बाद में जो इंस्टॉलमेंट्स निकाले, चाहे सुपर कमांडो ध्रुव की ट्रैप हो, ये देखिए, चाहे भेड़िया की दोषपूर्ण हो, ये रही, और चाहे वो कचरा पेटी हो, सुपर जो आई एम सॉरी डोगा की, ये 4 कॉमिक्स इसी साइज़ में आई, और ये अपनी अपनी सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट है, काफ़ी शानदार रहे, और इनमें काफ़ी प्रयोग भी करे गए। ये एक जंगल बुक रखी हुई मेरे पास में, आपके अगर ये पड़ी हो घर पे तो समझ जाना सेम यही साइज़ है, मतलब इससे आप रेफरेंस ले सकते हो, अमर चित्रकथा वाला साइज़ सर्प सत्र का और जंगल बुक वाला साइज़ इनका, तो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छे साइज़ में दिया, और इनका आर्ट वगैरह भी काफ़ी शानदार था, मतलब फुल पेज में आर्ट का होना, और कुछ और प्रयोग भी करे जाना, जैसे कि कचरा पेटी में लेज़र कट का प्रयोग करना। लेज़र कट क्या होता है वो भी बताया था आपको, यहीं पर सारी बातें करी जाएंगी और एक कंक्लूज़न निकाला जाएगा, और आपका भी इस पार्टिसिपेंट चाहूँगा मैं इस वीडियो में। लेज़र कट मैं थोड़ा सा और बता दूँ आपको, छोड़िए इसको नहीं निकालता हूँ, दूसरे किसी कलेक्टर एडिशन को निकाल लिया जाए जिसमें ईजीली विजिबल हो। हाल ही में बालचरित का मैंने कलेक्टर एडिशन किया है रिव्यू, सिटी विदाउट ए हीरो भी किया है, उसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये सिटी विदाउट ए हीरो का कलेक्टर एडिशन मेरे पास में है, ये जो है ना लेज़र कट में लिखा हुआ है, और अमर चित्रकथा के जो महाभारत और रामायण कलेक्टर एडिशन आते हैं उस पर लेज़र कट का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए ये जो लाइनिंग दिख रही होगी आपको ग्लो करती हुई, या फिर ये सुपर कमांडो थ्रू सॉरी नॉट ये है कमेट और चंडिका, ये आपको अलग दिख रहे होंगे बाकी 3 करेक्टर से, इसको हम बोलते हैं लेज़र कट से नाम लिखा जाना या कुछ, ये लेज़र कट से नाम लिखा हुआ है, ठीक है ऐसा हमको। और अब तो काफ़ी फॉलो किया जा रहा है इसको, बाय द वे राज कॉमिक्स वाले मनोज गुप्ता जी भी पीछे नहीं है, षड्यंत्र के कलेक्टर एडिशन में वो ऐसा इसको फॉलो कर चुके हैं, बाय द वे आपको अंदर से शायद दिखे ना बोली बेगा, पर ऐसा उन्होंने कर चुके हैं। खैर ये पूरा एक श्रृंखला रही, काफ़ी सारे प्रयोग किए गए, तो ये लेज़र कट होता है। अब मैं फिर से नागायण पे आता हूँ, सारी बातें फिर से वापस आएंगी। तो ये साइज पसंद किए गए, संजय गुप्ता जी वाला बिग साइज भी पसंद किया गया, और सर्प सत्र वाला जो अमर चित्रकथा वाला साइज था वो भी पसंद किया गया, और ये साइज इतना पसंद किया गया कि मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट निकालने शुरू कर दिए सेम साइज़ में। देखिए सर्प सत्र की साइज़ का एक रिप्रिंट है कैंसर, मैंने कैंसर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अमित भाई हैं आप जानते होंगे उनको, उन्होंने अभी चर्चा हो रही थी नागायण पे ही, उन्होंने इसी कॉमिक्स का जिक्र किया था, तो मेरे पास काफ़ी कॉमिक्स थी रेफरेंस लेने के लिए, जैसे राजनगर की तबाही, प्रलय विनाश वाली डबल फोल्डेड वाली हैं, या फिर इस सेट की भी काफ़ी कॉमिक्स थी मेरे पास, पर मैंने इसको चूज़ किया जानबूझ करके ताकि आप पूरा रेफरेंस समझ पाएँ। तो अब मैं इस अपने वीडियो को समअप करने की तैयारी में हूँ। ये है सर्प सत्र का साइज़, सेम कैंसर का भी साइज़ है, दोनों ही राज कॉमिक्स पर मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित हुई हैं, तो इस साइज़ में काफ़ी सेट आए, इवन 5 सेट आ चुके हैं और आगे शायद और भी आ रहे होंगे, 5 तक का मुझे पता है, आगे मैंने ऑर्डर नहीं किए, तो इसको बोलते हैं बिग साइज सेट 1, 2, 3, 4, 4.5, तो ये 4 का कॉमिक्स है कैंसर, ठीक है। अब मैं इस कैंसर को बीच में क्यों ले आया, सर्प सत्र पे भी बात ख़त्म हो सकती थी, तो अगर सर्प सत्र और नाग प्रलय जो अपने अपने तरीके के पहले कॉमिक्स हैं, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से सर्प सत्र और संजय गुप्ता जी की तरफ से नाग प्रलय, ये अपने अपने जो एक बड़े साइज़ का एक्सपेरिमेंट था और पसंद किया गया, दोनों ही पसंद किए गए, दोनों ही नागराज और तोसी के थे, और दोनों में ही शानदार चित्रांकन स्टोरी थी, और अभी ये सीरीज ऑनगोइंग है बाय द वे, दोनों साइज पसंद किए गए। इसका प्राइस रखा गया 200 रुपये, 199 रुपये, और इसका भी प्राइस रखा गया 200 रुपये, ये एग्जैक्टली 200 ही था, 199 नहीं था, देखिए 200 रुपीज़, तो 1 रुपये सस्ती है सर्प सत्र इस लिहाज से, देखिए 199 है, खैर 200 रुपये मान लेते हैं, इनकी प्राइस इक्वल कर लेते हैं। पेजेस की बात करें तो इसमें है 48 पेजेस, 48 पेज, इसमें थे 32 पेज, तो पेज इसमें ज़्यादा हैं, इसमें कम है, किसमें नागप्रलय में कम है, लेकिन फिर साइज़ थोड़ा सा बड़ा है,
तो इस तरीके से इनको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई, काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया गया, मैंने भी किया था अपने चैनल पे, आप आपने शायद देखा हो मे भी। अब फिर से आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, वो है नागायण। जी हाँ, तो नागायण का पेपर वेक एडिशन लाए मनोज गुप्ता जी और कलेक्टर एडिशन लाए संजय गुप्ता जी। सन 2021 में जितने भी रिप्रिंट आए, कभी भी संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स में या मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स में क्लैश नहीं हुआ। क्लैश का मतलब सेम कॉमिक्स दोनों ने रिप्रिंट करने की कभी कोशिश नहीं करी। ये जो एक चीज़ थी, शपथ है या डील है, जो भी है, ये डील टूटी, ये शपथ टूटी नागराज और मिस किलर से। जी हाँ, ये एक ऐसा कॉमिक्स रहा जो दोनों ही पब्लिकेशन ने प्रकाशित करी, और राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता जी, जो कि वो फेमस हैं, उन्होंने वो कॉम्बो में ऑफर करी। तो जिन्होंने भी वो सेट लिया, नागराज सुपर कमांडर ध्रुव, नागराज और बुगा का, उनको वो कॉमिक्स लेनी पड़ी। तो वो कॉमिक्स दोनों ने ऑफर करी हमको, वो पहली कॉमिक्स बन जाती है जो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने प्रकाशित करी। उसके बाद से हमें ये कंफर्म हो गया कि हाँ, सेम कॉमिक्स या सेम सीरीज दोनों पब्लिकेशंस लेकर के आ सकते हैं। तो वो 120 रुपये की पब्लिश की थी मनोज जी ने और 140 की संजय जी ने। उसके बाद में हमारे सामने ये निकल के आता है बालचरित। जी हाँ, बालचरित का जो कलेक्टर एडिशन है या पेपर बैग्स हैं, वो लेकर के आए संजय गुप्ता जी, बिल्कुल वैसे जैसे कि नागायण के पेपर बैग और कलेक्टर एडिशन के लिए मनोज गुप्ता जी। लेकिन इनके पेपर बैग की रिलीज़ और कलेक्टर एडिशन की रिलीज़ के बीच में ही सेम सीरीज मनोज गुप्ता जी भी लेकर के आ गए, थोड़ी सी कम प्राइसिंग में, पर सब में कम नहीं था, कुछ पार्ट में ज़्यादा था, कुछ में कम था। तो पहली बार हमें लगा इस सीरीज़ को श्रेय जाता है। बालचरित वो सीरीज़ है जिसके पेपर बैग मनोज गुप्ता जी भी लेकर के आए और संजय गुप्ता जी भी लेकर आए। थोड़ा सा डिफरेंस था, उनके थोड़े शाइनी कवर थे मनोज गुप्ता जी के, इनके रेगुलर कवर्स थे जो ग्लोसी वाले, और प्लस ये कलेक्टर एडिशन। और ये कलेक्टर एडिशन मैंने अभी हाथ में इसलिए उठाया है क्योंकि अगर हम जितने भी कलेक्टर एडिशन कंपेयर कर लें, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित, ये अब तक का सबसे महंगा कलेक्टर एडिशन है, जो कि 2200 रुपये के MRP के साथ में आया। हालांकि मैंने डिस्काउंट में लिया था तो, और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग का स्लिप केस कवर था। मैंने इसकी सारा कंपेयर करा है, मतलब इसके पेपर बैग को भी कंपेयर करा है, कलेक्टर एडिशन को भी कंपेयर करा है, और इसके साथ में औरों को भी कंपेयर करा है, अदर कलेक्टर एडिशन को भी कंपेयर किया। तो खैर, ये अपने आप में काफ़ी अच्छा एक कलेक्टर एडिशन निकल कर आया, काफ़ी महंगा भी है बाय द वे। तो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने काफ़ी महंगे महंगे कलेक्टर एडिशन निकाले। युगारंभ से शुरुआत होती है 1500 रुपये, उसके बाद ये नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला गोल्ड ग्लीडिंग का, ये भी टिन बॉक्स में आया था 2000 रुपये, और ये 2200 रुपये, और कोई टिन बॉक्स वगैरह नहीं था, एक कोई टी शर्ट वगैरह फ्री था, अगर नॉवल्टी सब में मिली। तो मेन मुद्दे पर आते हैं, तो अब भी ये संभावना निकली जब बालचरित मनोज गुप्ता जी लेकर के आ सकते हैं, तो नागायण भी संजय गुप्ता जी लेकर के आ सकते हैं। और उन्होंने ये कन्फर्म भी करा, जब भी नागायण के पेपर वे रिलीज हो रहे थे तभी उन्होंने कन्फर्म कर दिया था कि वो नागायण के इंडिविजुअल और ऐसा एक कंप्लीट कलेक्टर एडिशन लाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया था। पर अब तक इंडिविजुअल का मुझे कुछ नहीं पता, कल रात को वो कलेक्टर एडिशन अनाउंस हो चुका है, मुझे नहीं पता था, मुझे मॉर्निंग में पता लगा। और मैंने देखा तो फेसबुक में और व्हाट्सअप पर जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी मेरे ग्रुप्स हैं जिसमें मैं कॉमिक्स से कनेक्टेड हूँ, सभी में ये बवाल मचा हुआ था प्राइसिंग को लेकर के। तो क्या वो कलेक्टर एडिशन है, क्या उसकी प्राइसिंग है, वो तो मैं अभी आपको यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन थंबनेल में मैं उसका इमेज जरूर यूज़ करूँगा वहाँ, इसीलिए मैं ये सारा लेके आऊँ तामझाम। आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों युगारंभ लेकर के आ गए, मैं फिर से इसको रखा हूँ आपके सामने। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 2 वेरियंट कवर हमको देखने को मिले थे, ललित कुमार शर्मा जी वाला और श्री अनुपम सिन्हा जी वाला, ये हमको सेम पब्लिकेशन में देखने को मिले, राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी में। लेकिन इस बार क्या हुआ, संजय गुप्ता जी ने कवर बनवाया, मैं खैर इसको भी ऐड ही कर देता हूँ अभी आगे बढ़ने से पहले, कि मनोज गुप्ता जी भी फिर से इसका कलेक्टर एडिशन अनाउंस कर चुके हैं। मतलब दो तो वो लेके आ चुके हैं पेपर वे की सीरीज, वो ला चुके हैं हमारे सामने, कलेक्टर एडिशन वो ला चुके हैं विदाउट कवर बाय द वे। और इसके बाद में इसका बिग साइज़ में कलेक्टर एडिशन अनाउंस किया जा चुका है और उसका एक कवर आर्ट शेयर भी हो चुका है, ओनली पेंसिलिंग ललित कुमार शर्मा जी का बनाया हुआ, ये नहीं दूसरा कवर आर्ट है, और वो साइज़ वो रखने वाले हैं सर्प सत्र वाला। ये नाम काफ़ी फेमस हो रहा है कि सर्प सत्र वाला साइज़। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो कलेक्टर एडिशन है वो एक रेगुलर साइज़ में है और ये साइज़ में वो आएगा, और शायद 3200 रुपये का वो आएगा। आयुष गुप्ता जी ने, जो उनके मैनेजर जो हेड है, उन्होंने ये कन्फर्म किया है कल रात को ही, तो शायद वो 3200 रुपये की प्राइस के आसपास आएगा बिग साइज़ में। ये 1500 की प्राइस के साथ में आया, लेकिन इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइजेज भी हैं, कोई भी इसमें फ्रंट कवर बैक कवर शामिल नहीं किए गए। सिंपली मैं आपको बिल्कुल सिंपली बता दूँ ना, तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ के कवर्स रिमूव करके इसको बाइंड कर दिया गया, बस बाइंड कर दिया गया। ये देखो, इनके कवर से रिमूव करके बाइंड करके हार्ड बाउंड कर दिया गया है, और ये भी आर्ट पहले का ही बना हुआ था, उसको बस पहले राज कॉमिक्स के बैनर में आया था, उसको बाइंड करके गोल्ड ग्लिडिंग करके दे दिया गया। तो ये कलेक्टर एडिशन है, स्पेशल किसी भी तरीके से नहीं है, इसमें कोई कवर वगैरह नहीं है जो, और कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। तो ये जो नए कलेक्टर एडिशन आएंगे, चाहे हम राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की बात करें सर्व सत्र में, या फिर संजय गुप्ता जी के जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ,
उनमें हमको काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा धीरे धीरे सारा रिवील हो जाएगा, कल ही वो अनाउंस हुए हैं। तो मुझे ये लगा था और हमारे फ्रेंड्स जो भी हैं सबको ये लगा था कि जो राजकुमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी हैं वो तो लाएंगे सर्पसत्र साइज में डेफिनेटली, और राजकुमिक्स भाई संजय गुप्ता जी लाएंगे नाग प्रलय साइज में, क्योंकि वही साइज उनका फेवरेट था और हम इसी में एक्सपेक्ट कर रहे थे पहली बार में इनका, वो कुछ नया अलग करेंगे। तो कल जब रात को तो मुझे पता लगा नहीं, सुबह मुझे पता लगा मॉर्निंग में, तो प्राइसेस पता लगी। तो पहले मैं प्राइस की बात कर लेता हूँ, तो अब इनको हटा दिया जाए फिर रेफरेंस लूँगा इनका, फिर से रेफरेंस लूँगा। तो ये देखिए पेपर बैक, अगर मैं इनको ऐसे बाइंड कर दूँ और हार्ड कवर ना लगाऊँ तो इसको हम बोलते हैं डाइजेस्ट, ये एक वर्ड यूज़ करते हैं हम राज कॉमिक्स में, और अगर हार्ड कवर होता तो हम यूज़ करते हैं वर्ड कलेक्टर एडिशन या CE। लेकिन फॉरन में या जो फॉरन की जो कॉमिक्स होती है बैटमैन वगैरह की या मार्वल की होती है, उनमें एक वर्ड टर्म यूज़ करते हैं ओमनी बस कलेक्टर एडिशन के लिए, और इनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं शायद TPB है शायद नाम उसका। तो TPB मतलब उसे कन्फ्यूज होता है ना, वो मतलब डाइजेस्ट ही है। तो मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो CE और डाइजेस्ट, तो डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, ये होगा एक ही लेकिन वो सॉफ्ट बाउंड होगा, हार्ड बाउंड नहीं होगा। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने प्राइस रखा है कलेक्टर एडिशन का 5,000 रुपये MRP, 5,000 रुपीज़, जी हाँ। और पेपर बैक मतलब वैसे डाइजेस्ट आप समझ लो, TBP है कि TPB है वो नाम है भूल गया, शायद TBP होगा, तो वो उसके प्राइस रखा गया है, याद नहीं आ रहा, 4,000 रुपये शायद, अब मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ उसमें, तो 5,000 रुपये और 4,000 रुपये। लेकिन प्री ऑर्डर पर कुछ डिस्काउंट वगैरह है, काफ़ी डिस्काउंट है, तो जहाँ तक कलेक्टर एडिशन का मुझे पता है 4,200 रुपये में मिलेगा वो, कितना डिस्काउंट काटा मुझे नहीं पता, और 4,200 रुपये में तो प्री ऑर्डर पर मिलेगा कस्टमर्स को। उसमें भी फिर किसी सेलर से आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है, कुछ से आपको कुछ कैशबैक वगैरह मिल सकते हैं, मतलब बाकी 10% तो फिक्स है, तो ऐसा कुछ है, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में वो मिल जाएगा, पर 5,000 उसका MRP रखा गया बाय द वे। दूसरे वाले का शायद 4,000, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, शायद 4,000 है उसके आसपास, ठीक है। और उसका भी फिर बाद में डिस्काउंट काट करके, जैसे ये 4,200 का पड़ेगा तो शायद वो 3,400 का या 3,800 का कुछ का पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा मुझे और फिर से याद करना पड़ेगा। और उनमें डिफरेंस क्या क्या है, उनमें डिफरेंस ये है कि जो सिंपल सॉफ्ट बाउंड होगा उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा जो 40-45 जो पेज एक्स्ट्रा आते हैं जो संजय गुप्ता जी की पहचान है, वो आपको सॉफ्ट बाउंड में भी मिलेंगे, वो आपको हार्ड बाउंड में मिलेगा। और गोल्ड ग्लिडिंग, ये जो गोल्ड ग्लिडिंग होती है ये वाली, ये सॉफ्ट बाउंड में भी मिलेगी और आपको हार्ड बाउंड में भी मिलेगी। बस उसके अलावा जो एक्स्ट्रा थिंग्स होते हैं ना, जैसे ऑटोग्राफ वगैरह हो गए, हालांकि इसमें कोई ऑटोग्राफ नहीं है, ऑटोग्राफ्स हो गए, बालचरित्र में भी नहीं है इतने कॉस्टली में, खैर पर युगारम्भ में थे, आपको वो दिखाता हूँ, युगारम्भ में है ऑटोग्राफ्स, और ये ऑटोग्राफ्स हो गए इस तरीके के, और एक्स्ट्रा कुछ मैग्नेट स्टिकर्स हैं, दो दो मैग्नेट स्टिकर मिलेंगे शायद उसमें, और एक रबर शीट वाला मैग्नेट स्टिकर मिलेगा, आर्ट कार्ड आपको मिलेंगे, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, और कवर कार्ड्स। अब उसमें एक नई नोवल्टी जो संजय गुप्ता जी निकाली है कि हर कॉमिक से साथ में वो कवर कार्ड देते हैं, जैसे कि मान लो इसमें 6 कॉमिक्स शामिल हैं, तो इनके जो 6 कवर्स होते हैं उनको कार्ड के रूप में देते हैं। उन कार्ड की विशेषता ये होती है कि फ्रंट कवर उसका, उस कार्ड इस कॉमिक्स का हाफ साइज़ वो होता है, और फ्रंट कवर दे दिया जाता है, और बैक में उसका ऐड दे दिया जाता है। किसी भी कॉमिक्स का एक ऐड होता है, जैसे कि ये देखिए, ये है दहन कांड, इसके पीछे रण कांड का ऐड है, तो ये रण कांड का ऐड हो गया और ये रण कांड का फ्रंट कवर हो गया, तो ये इसका कवर कार्ड बनेगा, मतलब फ्रंट पार्ट में होगा रण कांड का ये, और बैक में होगा इसका ऐड, प्लस ऐड थोड़े छोटे साइज़ में होगा, ये तो हाफ साइज़ में होगा, ऐड थोड़े और छोटे साइज़ में होगा उसके पीछे, और थोड़ी समरी लिखी होगी उस कॉमिक्स की, ठीक है। तो ऐसे ही कंडीशन में हमको मिलेगा वो TPP है। तो हार्ड जो जो हमारे पास में कलेक्टर एडिशन आएगा उसमें हमको क्या क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएंगे जो 9 के 9 कवर कार्ड्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा आपको जो है स्टिकर्स मिल जाएंगे, मैग्नेट स्टिकर मिल जाएंगे, स्केच कार्ड मिल जाएगा, और बुक मार्क मिल जाएगा। हालांकि इसको तो मैं क्या ना उल्टी कंसिडर करूँ, इसमें भी है क्या बुक मार्क, है तो इस तरीके का आपको बुक मार्क मिल जाता है, वो तो मिलता ही है कलेक्टर एडिशन में, वो मिल जाएगा। प्लस आपको लेज़र कट का नाम, वो भी मेंशन किया है बाय द वे उल्टी में, बाकी लेज़र कट में नाम तो क्या होता है, ये होता है देखो, जैसे बालचरित लिखा हुआ है तो ये लेज़र कट में, तो आई डोंट थिंक इसको नोवल्टी में मेंशन करना चाहिए, पर मेंशन है उसमें, तो आप देख सकते हैं फेसबुक के इमेजेस शेयर किए गए हैं, थंबनेल में मैं भी शेयर कर दूंगा, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। संजय गुप्ता जी के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था पहले, उसमें रीज़न ये था कि मनोज गुप्ता जी ना थोड़ी सी थोड़ी सी वो छोटी छोटी बातें गड़बड़ कर देते हैं, मतलब मेरे हिसाब से गड़बड़ है, आपके हिसाब से शायद नहीं होती होगी, क्या गड़बड़ बताया था इसमें, जैसे आपने देखा मैंने भी देखा कि दहन कांड जो है ये 2020 का एक रिप्रिंट है, या 2020 में अवेलेबल था, मे बी 2020 का ना हो, से पहले का हो, ये जो रिप्रिंट है वो राज कॉमिक्स की तरफ से है बाय द वे, मनोज गुप्ता जी या संजय गुप्ता जी का कोई विभाजन नहीं है। और इसमें देखिए प्रिंटिंग क्वालिटी आपको दिख रही होगी, फोकस कर देता हूँ, बहुत अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी है, एड वगैरह सब ओरिजिनल लिए हुए हैं। जब ये मनोज गुप्ता जी रिप्रिंट करते हैं ना, तो हम सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सब
सेट डिटेल्स वगैरह ओरिजिनली होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक हमको देखने को मिलती है। जैसे कि ये देखिए, एक तो ये ग्रहण कांड, ये जो है ना इसमें ओवर सेचुरेशन है कवर। इससे पहले जो राज कॉमिक्स का जो ओरिजिनल कॉमिक था मनोज गुप्ता जी की तरफ से नहीं था, रिप्रिंट भी था तो उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती थी। इसमें ना कवर की क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही गहरे कलर हो गए हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है, एक तो ये चीज़। और दूसरा ये जो पीछे ऐड है ना शील भंग का, ये पॉसिबल ही नहीं है, उस वक्त ये ऐड आया ही नहीं था। रणकांड जो है 2007-08 के बीच में पब्लिश हो रहा था, तो शील भंग का ऐड ऐसे इसमें डाल दिया गया है। और भी इसमें काफ़ी ऐसी इश्यूज़ हैं, तो ये इसमें सभी सेट डिटेल्स या सब कुछ ओरिजिनल नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे इनको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, तो जैसा जो प्रिंट अवेलेबल था इससे पहले वैसा उसको एज इट इज़ प्रिंट कर दिया गया है, तो छोटी मोटी इसमें कमियाँ रख दी गई हैं। तो उस समय के हिसाब से ये पेपर पे एक तो ओवर प्राइस था, और दूसरा इसमें हमको ओरिजिनल से डिटेल्स नहीं मिलती, कहीं कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। तो ये अपने आप में एक संपूर्ण पेपर बैग नहीं कहा जा सकता, एक ये चीज़। दूसरी चीज़, कलेक्टेड एडिशन जब प्रिंट होते हैं तो ये मतलब चाहे संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रिंट हो, चाहे मनोज जी की तरफ से प्रिंट हो, उनमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कवर रिमूव कर दी और बाकी की पूरी का CE बना दिया, तो भले से आप कवर रिमूव कर दो और आप इसका ये एक्सक्यूज़ दो कि भाई कवर हमने इसलिए रिमूव कर दिए ताकि जो है कलेक्टेड एडिशन में आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए, लेकिन आप ये देखेंगे कि बीच में ऐड तो आएंगे आएंगे। जैसे कि मान लो 80 पेज के बाद में देखिए, चिप चिप देखिए, चिपकी पड़ी है पूरी, 80 पेज के बाद में ये ऐड तो आएंगे ही आएंगे, ऐड तो आने ही हैं, ठीक है। तो बस ये होता है कि बस कवर रिमूव कर दिया, ऐड तो ऐसे कैसे हैं। महाभारत का कलेक्टर एडिशन मैं कई बार मेंशन कर चुका हूँ, मैं लेके नहीं आया, नहीं फिर वो कि बातें बहुत डाइवर्ट हो जाती है। महाभारत मेरे पास एक ऐसा कलेक्टर एडिशन है जिसमें एक से लेकर लास्ट तक पेज नंबरिंग है, अदरवाइज़ क्या होता है इनमें तो आपको पता ही कि ये 9 कॉमिक्स बाइंड कर दी गई हैं, तो पेज नंबरिंग तो उन कॉमिक्स वाली चलेगी। ऐसा मैंने सिर्फ महाभारत देखा है, और मेरे फ्रेंड्स बताते हैं जिनके पास में भोकाल का जो संपूर्ण महारावण है इसका कलेक्टर एडिशन जिनके पास पुराने वाला है, वो बताते हैं कि इसमें भी ऐसी पेज नंबरिंग का यूज़ किया गया है। तो कई लोगों को ये बीच में ऐड पसंद नहीं आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई कलेक्टर एडिशन है तो कुछ एक्स्ट्रा करो, शुरू से लेकर लास्ट तक जो है ना एक फ्लोलेस, एक फ्लो में होनी चाहिए, मतलब बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, ऐसी स्टोरी होनी चाहिए। तो ये सुन ली गई है। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी का जो ऐड आया है उसमें लिखा है 9 ऐड पेजेस और 48 पेजेस एक्स्ट्रा। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, नॉर्मल साइज़ में कोई भी आपकी नहीं सुनेगा, नॉर्मल साइज़ में आप बोल दोगे कि सर पीछे कवर लगा दूँ, ऐड हटा दो, वो कोई नहीं हटाने वाला, पेज नंबरिंग कोई नहीं करने वाला, क्योंकि एक्चुअली पेपर बैग पहले प्रिंट होते हैं, फिर जो स्टॉक बच जाता है ना उनके कवर वगैरह रिमूव करके कलेक्टर एडिशन बनता है, थोड़ा सा और अच्छे से कर दिया जाता है, इसलिए बाइंडिंग के जो है काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। इसमें आपने देखा होगा ये बिल्कुल इसी का ही है, सेम यही प्रिंट है, अगर इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐड गलत भी होगा, मुझे पता नहीं कहीं पर कोई गलत ऐड मिल जाए तो सेम वो ऐड आपको इसमें भी मिलेगा, बस कवर वाली गलती रिमूव हो चुकी है, क्योंकि कवर ही रिमूव हो चुके हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और ये मैंने लिया भी था, मैंने आपको बताया था कि एक वेबसाइट पर मेरा वैलेट का पैसा मुझे यूज़ करना था, इसलिए मैंने लिया, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और पढ़ने की दृष्टि से मैं इसको बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं मानता, क्योंकि बाइंडिंग के इश्यूज़ तो हर जगह आते हैं, चाहे वो राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी की आप बात कर लो, चाहे आप जो है मनोज गुप्ता जी की बात कर लो। कुछ मैंने खोला भी नहीं होगा इसको, आप थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए कि खोलूँगा तो इशू आएगा, निश्चित रूप से आएगा, देखिए खोलते ही इशू आ जाएगा, एक बार पढ़ी तो इसके कुछ पंगा हो ही जाएगा। खैर जो भी है, तो जब बिग साइज़ में प्रिंट हो रही है तो इससे डेफिनेट है कि वो कुछ नया प्रिंट कर रहे हैं, मतलब पहले वाला स्टॉक तो नहीं, ये तो बात क्लियर होगी बिल्कुल। और संजय गुप्ता जी की अगर बात करें तो वो रिप्रिंट लेकर के भी नहीं आए, तो उनके पास तो एक ऑप्शन रहा कि वो कैसे भी रिप्रिंट कर सकते, तो हाँ वो बिग साइज़ में कोई ना कोई प्रयोग कर सकते, तो उन्होंने प्रयोग करा, तो वो ऐड रिमूव कर दे। अब ऐड रिमूव में क्या होता है, किसी के लिए अच्छी बात हो सकती है, किसी लिए बुरी बात हो सकती है। मेरे में थोड़ा लालच होता है, मतलब मैं क्या चाहता हूँ, पहले की बात होता हूँ, अभी तो मैंने ले रखी बुक्स वगैरह, मैं चाहता हूँ एक ही बुक मिल जाए उसमें सब कुछ हो। इसीलिए मुझे युगारम से अच्छा वृतांत लगा था। रीज़न क्या, मनोज गुप्ता जी ने क्या करा, फ्रंट में तो दे दिया अनुपम जी का कवर और बैक में दे दिया ललित जी का कवर, तो एक बुक हो गई ना, अभी हमको 2 बुक रखनी पड़ रही है, इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, बस फ्रंट कवर का डिफरेंस है, पर 2 वेरिएंट हो गए। अब ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग मेरे लिए क्या था पता, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी जो लेकर के आने वाले हैं नागायण का रिप्रिंट, मुझे लगा था वो इस साइज़ में आएगा डिफरेंटली, क्योंकि 5,000 रुपये उसका MRP रखा गया, लेकिन उसका जो साइज़ अभी रिवील हुआ है सर्फ 70 का साइज़ है, तो खुद संजय गुप्ता जी ने यही वर्ड यूज़ किया कि सर्फ 70 का साइज़, इसलिए मैंने ये कॉमिक साथ में रखी। अब जब सर्फ 70 के साइज़ में है तो फिर रेट का भी कंपेयर होगा, तो लोगों ने रेट कैलकुलेट किया, मुझे मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किए, 700 से ऊपर पेज हैं, तो उन्होंने बोला कि नागपरले के हिसाब से वो चार्ज कर रहे हैं, जबकि नागपरले एक 32 पेज का कॉमिक्स है, और ये एक नया कॉमिक्स है बाय द वे, चाहे सर्फ 70 की हम बात करें चाहे हम नागपरले की बात करें, ये नए कॉमिक्स हैं, इसमें आर्टिस्ट का खर्चा होता है, सारा कुछ मतलब पूरी तरीके से नया बना हुआ कॉमिक्स है, तो आर्टिस्ट को पैसा देना पड़ता है, कलरिस्ट को पैसा देना पड़ता है, सारा कुछ होता है इसमें, प्रिंटिंग वगैरह। तो अमित भाई जो है किसी और ने कंपेयर करा कैंसर से, तो लोगों ने बोला जब आप सर्फ 70 के साइज से कंपेयर कर रहे हो, इसमें आपको 200 रुपये में 48 पेज मिल रहे हैं, उस हिसाब से आप कंपेयर क्यों नहीं करते, ये जो कैंसर है इसमें 64 पेज हैं,
150 रुपये इसका प्राइस है, 64 पेज है इसके अंदर, पेज ज़्यादा हैं सर 70 से, इसमें 48 पेज है और इसका प्राइस 200 है। आपको ओरिजिन समझ में शायद अभी नहीं आया होगा, बता देता हूँ, ये एक रिप्रिंट है, ये एक नया कॉमिक्स है, ये 2021 का एक नया कॉमिक्स है, ये एक रिप्रिंट है। तो रिप्रिंट में सिर्फ आपको प्रिंटिंग की कॉस्ट लगती है, इसलिए थोड़े से ये सस्ते आते हैं नए से, आपको समझ में आ गया होगा। और संजय गुप्ता जी के भी इतने महंगे नहीं है कॉमिक्स, ये जो नाग परले या कचरा पेटी वगैरह की, ये महंगे इसलिए हैं क्योंकि 32 पेज के नए कॉमिक्स हैं, अदरवाइज उनके भी रिप्रिंट ठीक ठाक रेट में आते थे, हालांकि बिग साइज में कोई रिप्रिंट आया नहीं। तो अमित भाई हैं या कोई और भी है, उन्होंने बोला कि आपको अगर नागायण के रिप्रिंट की कॉस्टिंग की कंपेरिजन करना है तो आप सर्प सत्र से मत करो, क्योंकि वो एक नई कॉमिक्स है, आप कंपेयर करो कैंसर से। उन्होंने कैंसर ही वर्ड यूज़ किया था कि मेरे पास कैंसर है सर्प सत्र साइज़ में, या सर्प सत्र साइज़ में कैंसर है, तो इसका भी काफ़ी अभी हुआ था। मैंने सेम दोनों ही कॉमिक्स रखी ताकि आपको रिलेवेंट भी लगे और आपको रेफरेंस समझ में भी आए। तो उनकी बात तर्क संगत भी है कि हाँ ये बिग साइज़ में है और प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर कंपेयर किया जाए तो वो काफ़ी कॉस्टली लगता है जो कलेक्टर एडिशन संजय लेकर के आए, एक तो ये बात। दूसरी बात, मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि जब संजय गुप्ता जी अलग ला रहे हैं, मनोज गुप्ता जी अलग ला रहे हैं, और दोनों के दोनों बाय द वे इस स्टॉक को अब यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि ये स्टॉक जितना बिकना था बिक गया, उसके बाद इसका कलेक्टर एडिशन बन करके भी वो बिक गया। अब तो दोनों ही नया रिप्रिंट करेंगे क्योंकि दोनों ही बड़े साइज़ में करें। डेफिनेटली मनोज गुप्ता जी सर्प सत्र वाला साइज़ ही फॉलो करेंगे क्योंकि इसको फॉलो करते ही आए हैं काफ़ी टाइम से। मुझे संजय जी से उम्मीद थी कि वो अलग साइज़ लाएंगे। अब इसमें मेरे को एक और हैक नज़र आ रहा है, वो हो सकता है मेरी नज़र में हो, आपकी नज़र में ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी ने किसी प्रिंटिंग प्रेस से कॉन्टैक्ट करके सेम साइज़ रखा हो कि सेम ही लोट का दोनों यूज़ कर लें। क्योंकि आप सोचो कोई भी चीज़ का हम ऑर्डर देते हैं या प्रिंट कराते हैं, कुछ भी करते हैं, जितना भी ज़्यादा क्वांटिटी होती है उतना ही वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, इसमें बुराई कुछ नहीं है। बट मुझे एक ये रीज़न समझ में आता है, अदरवाइज इसका कोई और रीज़न नहीं है। दोनों के दोनों ही सेम सर्प सत्र के साइज़ को फॉलो क्यों कर रहे हैं, कोई और साइज़ क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर मैं उनको एक पब्लिकेशन मानूँ एक बार के लिए, हालांकि दो पब्लिकेशन है, एक पब्लिकेशन मानूँ तो ऐसा पहले हो चुका है। देखिए दो, फिर इसलिए मैंने युगारम लेके आया था मैं आपको ये समझाने के लिए। देखिए दो अलग अलग वेरिएंट कवर में हमें मिला था। तो अगर आप एक बार राजकुमार भाई संजय गुप्ता जी या राजकुमार भाई मनोज गुप्ता जी भूल जाएं, तो ललित कुमार शर्मा जी वाला कवर इस बार लेकर के आ रहे हैं राजकुमार भाई मनोज गुप्ता जी, और अनुपम सिन्हा जी वाला कवर लेकर के आए हैं राजकुमार भाई संजय गुप्ता जी। हाँ, क्योंकि साइज़ दोनों का सेम रहेगा, कंटेंट दोनों का सेम रहेगा, वो बोनस कंटेंट तो चेंज होगा डेफिनेटली, और कवर उल्टा हो गया। मतलब पहले ललित कुमार शर्मा जी को संजय गुप्ता जी काफ़ी उनके में काफ़ी नज़र आ रहे थे, और मनोज गुप्ता जी में अनुपम जी का थोड़ा ज़्यादा काम हमको देखने को मिल रहा था, न सिर्फ नए कॉमिक्स में बल्कि रिप्रिंट की अगर हम बात करें तो अनुपम सिन्हा जी की जो रचनाएं हैं ज़्यादातर उनमें से ज़्यादातर वो मनोज गुप्ता जी ने ही रिप्रिंट करी है। सिर्फ बालचरित ऐसी शायद है मेरे हिसाब से जो संजय जी लेके आए हैं, बाकी अनुपम सिन्हा जी का जितना भी काम रिप्रिंट हुआ है, चाहे वो नागराज हो, चाहे सुपर कमांडर ध्रुव हो, चाहे मल्टी स्टार हो, सारा का सारा राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी लेकर के आए हैं। अब थोड़ा डिफरेंट सीन देखने को मिला कि नागायण का जो कलेक्टर एडिशन आने वाला है बिग साइज़ में, यानी कि सर्प सत्र वाले साइज़ में अगर हम नई कॉमिक्स की बात करें, या फिर कैंसर वाले साइज़ में अगर हम रिप्रिंट की बात करें, दोनों ही राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता जी भी लेकर के आ रहे हैं, राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी भी लेकर आए हैं, और दोनों ने ही नए कवर बनवाए हैं। बाय द वे ललित कुमार शर्मा जी वाला कवर मैं फिर बता देता हूँ, मनोज गुप्ता जी लेकर के आ रहे हैं, अनुपम जी द्वारा बनाए गए कवर संजय जी लेकर के आ रहे हैं। इस कवर वाली प्राइस का अनुमानित मूल्य मुझे पता है 3,200 रुपये होगा, इसका 5,000 अनाउंस कर दिया गया है, डिस्काउंट है प्री ऑर्डर पे ओनली। तो इसमें भी एक ये हैक नज़र आता है, 2021 की अगर हम बात करें तो आपको इतनी वेरिएशन देखने को मिलेगी, कभी कॉमिक्स प्री ऑर्डर लगते हैं, कभी MRP पे मिलती हैं, कभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, MRP पे भी नहीं मिलती हैं, खुद सेलर्स उसको MRP प्लस शिपिंग पे देते हैं, और कई बार जो है इतनी ज़्यादा सस्ती मिलती है कि 25% में अमेज़न पे मिल जाती हैं कॉमिक्स, और मतलब अलग ऐसा मिलता है, कभी लगता है कि कोई कॉमिक्स मिलेगी नहीं, कभी लगता है कि डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कभी एकदम सडनली बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ, प्री ऑर्डर में लगाया, फिर बाद काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट पे कॉमिक्स मिली, तो थोड़ा मोह भंग होता है प्री ऑर्डर से। तो अल्टीमेटली अगर हम ये कंक्लूड करें कि छोड़ो प्री ऑर्डर, अब तो जब कॉमिक्स आएंगे तभी देखेंगे, इसीलिए तो मैंने देखा 2022 लगते ही सुपर कमांडो ध्रुव का जो राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी ने ओमनीबस एक अनाउंस करा है, वो भी काफ़ी कॉस्टली है, 3,000 के आसपास है, जिसमें से 25 कॉमिक्स शामिल किए गए हैं, उनके 5 कलेक्टर एडिशन होंगे, तो उसका भी ऐसा लिखा कि प्री ऑर्डर का स्पेशल थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस रखा है। सेम चीज़ नागा ने फॉलो हुई है, 5,000 रुपये और 4,000 रुपये मान लेता हूँ, मुझे थोड़ा डाउट उसमें, तो 5,000 रुपये हार्ड बाउंड एडिशन और 4,000 रुपये सॉफ्ट बाउंड एडिशन रखा गया है, और उनकी डिस्काउंटेड प्राइस है जो मुझे याद है 4,200 रुपये है हार्ड बाउंड के लिए, तो काफ़ी डिस्काउंटेड है, और जो भी बाकी जो 10% या वॉलेट कैशबैक मिलेगा वो उस 4,200 रुपये मिलेगा, तो काफ़ी ठीक पड़ जाएगी अगर अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि मैं अपने व्यूज़ आपके सामने रख सकूं। मेरे में अगर कोई गलती आपको नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, आपके कुछ और व्यूज़ हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो अल्टीमेटली ये इसका समरी निकलती है कि पेपरबैक एडिशन मनोज जी लेके आए, जिस समय भी लेके आए, जो भी प्राइस में लेके आए, लेकिन मेरे हिसाब से वो ज़्यादा था,
और क्वालिटी मुझे अप टू द मार्क नहीं लगी, प्रिंटिंग की भी मुझे क्वालिटी इतनी अप टू द मार्क नहीं लगी, और ओरिजिनल एड वगैरह में भी थोड़ा इशू आया। और लेटेस्ट मैंने आपको बाल चरित्र में जो शाइनिंग कवर का आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने आपको ये भी बताया कि संजय जी की तरफ से जो पेपर वर्क आया था और मनोज जी का शाइनिंग कवर वाला, उसमें भी कहीं ना कहीं एक कॉमिक्स में था, मुझे याद नहीं आ रहा, नो मैन्स लैंड था, फिनिक्स था, उसमें अंदर सर्प सत्र का ऐड डाल दिया गया था आधे पैरों का हटा करके, तो थोड़ा थोड़ा सो गड़बड़ चलती है। उसके बाद में ये एक गोल्ड ग्रेडिंग वाला कलेक्टर एडिशन आता है ललित कुमार शर्मा जी के पुराने आर्ट के साथ में, जो पहले 2015 में कलेक्टर एडिशन आया था। इसकी प्राइस रखी गई है 1500 रुपये, लेकिन ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स में मिला, पर इसमें इशू ये है कि सबके कवर रिमूव करके, फ्रंट कवर बैक कवर, और इसको सिर्फ बाइंड करके दिया गया, एक्स्ट्रा कोई उम्मीद मत कीजिएगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, सेम इवन कम मिलेगा, मतलब पेपर वर्क आपके पास में है तो आपके एटलीस्ट ये फ्रंट कवर बैक कवर्स हैं, तो ये आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तीसरी चीज़ हमारे सामने निकल करके आती है, अब संजय गुप्ता जी लेकर के आएंगे अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया वेरिएंट के साथ में बिग साइज़ नागालैंड का कलेक्टेड एडिशन, और मनोज गुप्ता जी लेकर के आएंगे ललित कुमार शर्मा जी का बनाया हुआ, उनका रहेगा 3200 रुपये का MRP शायद, और संजय जी का अनाउंस हो चुका है 5000 रुपये MRP, और न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने सॉफ्ट बाउंड एक और डाइजेस्ट जैसा अनाउंस कर दिया है 4000 रुपये MRP, और साइज़ दोनों का सेम रहेगा। कंपेयर आप सर्प सत्र से ना करें, ना ही नाग प्रलय से करें, नाग प्रलय से तो कंपेयर बनता ही नहीं है, साइज़ दोनों का ही सर्प सत्र का रहेगा, बट अगर हम कंपेयर ही करना चाहें तो फेयर कंपेरिजन होगा, अगर हम रिप्रिंट से कंपेयर करें कैंसर से या किसी और कॉमिक से रिप्रिंट से कंपेयर करें, तो उस लिहाज से लोगों को काफ़ी ओवर प्राइस लग रहा है, नोवल्टीज़ वगैरह की जानकारी है, और जो सॉफ्ट बाउंड होगा वो उसमें सिर्फ गोल्ड ग्लेडिंग आपको देखने को मिलेगी, और एक्स्ट्रा जो 48 पेजेस देखने को मिलेंगे, बाकी के जो है एड लेस होगा, ये उसमें एड विज्ञापन नहीं होंगे संजय गुप्ता जी वाले में, और जो है आपको 9 के 9 जो कॉमिक्स हैं जिनके कवर हम मिस कर रहे थे उनके कवर कार्ड आपको मिलेंगे। बाय द वे और भी काफ़ी नोवल्टीज़ हैं, 2 MDF मैग्नेट स्टिकर्स हैं, एक सिंपल रबर शीट वाला मैग्नेट स्टिकर है, स्केच कार्ड उसके अंदर मिलेगा, कोई स्टैंडी भी शायद है, स्टैंडी मुझे चेक करना पड़ेगा, और कवर कार्ड है इनको आप मानते हो, लेज़र कट से नाम लिखा हुआ है, बुक मार्क, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, आप अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप उसको करेक्ट जरूर कीजिएगा कमेंट्स में। धन्यवाद।